हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। फ्रेंड्स, आज मैं बूंदी के रायते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको मैंने चटपटा और जायकेदार बनाया है। ये रायता बहुत ही झटपट बनने वाला है, गेस्ट के आने पर आप इसको फटाफट बना सकते हैं और इसको बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं और टेस्टी लगता है। तो चलिए आज की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो बूंदी का रायता बनाने के लिए सबसे पहले हमें बूंदी को भिगोना होगा। तो मैंने एक बाउल में आधा कप बूंदी और एक कप पानी डाल दिया है, अच्छे से भिगो लेंगे और इस बूंदी को हमें 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब रायता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बाउल में हम एक कप फेटी हुई दही लेंगे, आधा कप पानी लेंगे और थोड़ा सा नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, काला नमक लेंगे वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है आपको, और भुना हुआ जीरा आधा छोटी चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और आधा छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर। और ये जो मैंने बूंदी को भिगो के रखा था, अब हम इसको एक छलनी में बाहर निकाल लेंगे, इसका पानी पूरे तरीके से निकाल लेना है, उसी के बाद में रायते के अंदर ऐड करना है। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेना है। या तो आप इस रायते को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर इसमें आप तड़का भी लगा सकते हैं। तड़के के लिए एक नॉन स्टिक पैन में हमें एक छोटी चम्मच सरसों का तेल ऐड करना है। जब तेल गर्म हो जाए तो एक सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग, इसको अच्छे से हमें भून लेना है स्पून से। गैस ऑफ कर देनी है और कलर के लिए हमें इसमें ऐड करना है थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देना है। ये हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। तो इसको रायते के ऊपर इस तरीके से डाल देते हैं। तो ये हमारा चटपटा बूंदी का रायता तैयार है। इसको आप गार्निश कर सकते हैं हरे धनिए से और भुने हुए जीरे से। लग रहा है ना, देखने में बहुत ही यम्मी। आप इसको खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी बूंदी के रायते की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।